कैसा लगेगा आपको अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से दूर जाते हो और जब आप वापस आते हो तो देखते हो कि आपका घर जला दिया गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे भरोसा किया बगैर तहकीकात किए। आप शायद अपने हक के लिए लड़ भी लें, पर यह विशेष अधिकार सबको नहीं होता। 24 दिसंबर को दिल्ली के बाटला हाउस एरिया में कुछ झुग्गीवासी मिट्टी का घर बनाकर रह रहे थे, जिसे पुलिस ने फिर से उजाड़ दिया क्योंकि वहाँ हाईवे बनाने का प्लान है। फिर से इसलिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने इनके सर से छत छीना है। ये दरअसल एक साल में तीसरी बार है। पहले सितंबर में हुआ जब 200 से ज़्यादा स्लम उजाड़े गए इस झूठ के वादे पे कि इनको पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था दी जाएगी। 700 लोग बेघर हो गए। जब उनको रहने की कोई जगह नहीं मिली, स्लम वालों ने टेंट बना लिया जो पुलिस ने अक्टूबर में फिर से हटा दिया। द लॉजिकल इंडियन से बात करते हुए अब्दुल अजीज़, जो कि बाटला हाउस के पास ही रहने वाले हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने झुग्गी खाली करने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्त दिया था, पर 24 को ही पुलिस फोर्स लेकर आ गई। मुझे कॉल आई थी वहाँ से कि वहाँ पर डिमोलिशन फिर से किए हैं, पुलिस आई थी जेसीबी के साथ और वहाँ पर जो भी लोग रह रहे थे एम ब्लॉक में, ये वालों को टाइम मिला था 30 तारीख तक का, 30th of December, लेकिन 24 को ही आ गए वो लोग। इस मामले को अच्छे से समझने के लिए हमने इंडियन सिविल लिबर्टी बार काउंसिल यूनियन के एक मेंबर से बात किया जिनका नाम है उद्दीन अरीब। Without even verifying the identity and about the background of the case, these members from the police served. Actually, there's a legal procedure to, if you ever serve notice to anyone, it has to be communicated to the other party. In this case, there was no communication made. Also, the police department, the person who came and demolished the slums, had no jurisdiction in this matter. Secondly, there's a policy in Delhi which states that even if you are evicting someone, it's the JJ policy of rehabilitation of 2015. It states that if a jaggi or a hut is made before 2006, then the residents of those jaggis would be rehabilitated. But in this case, no procedure was being followed. जहां सरकार लोगों को मास्क और सैनिटाइजर की सलाह दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ गरीब लोगों के घर से छत छीन रही है। ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है जहां पुलिस ने बिना पूछताछ किए, बिना चेतावनी दिए प्रवासी मजदूर यानी कि माइग्रेंट लेबर्स के घर उजाड़े हैं। और यही हुआ था इस साल जनवरी में, अप्रैल में और फिर से सितंबर में। कर्नाटका में ही 300 से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स बेघर हो गए क्योंकि पुलिस ने लॉकडाउन के बीच में उनके घर जला दिए जब ये मजदूर अपने गांव वापस गए हुए थे। ये मजदूर काचरकनाहली में 18 साल से रह रहे थे। पुलिस ने 110 स्लम्स जलाए जिसमें से केवल 18 स्लम्स ही बच पाए। तो आखिर पुलिस ने घर क्यों जलाए इनके? ये सब एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की वजह से हुआ, एक फैलाई गई अफवाह की वजह से हुआ जिसमें लिखा था कि वहाँ रह रहे माइग्रेंट लेबर्स इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। अगर झुग्गी में रहने वाले माइग्रेंट लेबर्स अवैध बांग्लादेशी थे भी, तो बिना उन्हें इविक्शन नोटिस दिए क्या उनका घर जलाना सही था? एंड द कोर्ट आल्सो केम डाउन हेविली ऑन दीज अथॉरिटीज एंड स्टेटेड दैट इवन इफ यू आर इविक्टिंग समवन देन यू कैन नॉट एक्ट ऑन सच वायरल बेसलेस वीडियोस। एंड आल्सो द डिपार्टमेंट टोल्ड द कोर्ट दैट द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर हैज बीन ट्रांसफर्ड, but the transfer is not a remedy, and the court also said that throw away him from the job, this is not the way to act in a legal way. Most of the people who were residing there had lost their papers. Secondly, most of the kids who were like students of 11th and 12th had lost their material of study material and bags. Half of the ration was burnt. So I consider this as a loss of material which is very essential for them. For a common man, what is needed rather than a shelter, food and a document? In these tough times, when even you're being challenged on the face of documents you possess, then I consider this as a very blatant violation of Article 21. पिछले साल अलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में राइट टू शेल्टर को फंडामेंटल राइट माना था।
इसी महीने कर्नाटका हाईकोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया कि वे सारे झुग्गियों को 2 महीने के अंदर फिर से तैयार करें। आर्टिकल 21 is an ocean of rights, but this right should be subject and this right should be guaranteed by the constitution itself. An animal can survive with the skin, but a person, an individual needs a shelter to grow mentally, intellectually and physically. ऐसे वक्त में जहां आपके घर के अलावा कोई और जगह सुरक्षित नहीं है, वैसे समय में अगर आपसे आपका घर छीन लिया जाए, ये कहां तक जायज है? Thank you so much for watching. Stay safe, stay logical.